नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी अड्डा चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जनगणना से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चंस करा दिए थे, ये इस वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चंस को कराए हैं। कुल मिलाकर के टोटल 30 प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्जाम में, उत्तर प्रदेश के किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। और भविष्य में होने वाले एग्जाम जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आर ओ का एग्ज़ाम, लोअर पीसर्स का एग्ज़ाम और आने वाले लेखपाल एग्ज़ाम जैसे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करिएगा। यदि कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, इस चैनल को पहली बार देख रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है इस वीडियो में, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर ज़िला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो साक्षर ज़िला है वह है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, जो सर्वाधिक साक्षर ज़िला है वह गौतम बुद्ध नगर है। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो वह है गाज़ियाबाद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 2011 के अनुसार सर्वाधिक आवश्यक साक्षरता वाले निम्न चार जिलों का सही अवरोही क्रम है, यानी कि आपको साक्षर जिलों का अवरोही क्रम बताना है कि यानी सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है, उसके बाद उससे कम साक्षर कौन है और फिर उससे कम साक्षर कौन है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ढेर सारे ऑप्शंस हैं, बहुत ही थोड़े से ट्रिकी ऑप्शंस हैं क्योंकि बहुत ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता देखा है कि जो गौतम बुद्ध नगर है वो सर्वाधिक साक्षर है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, गाज़ियाबाद वाले गौतम बुद्ध नगर से स्टार्ट है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आपका आता है कानपुर नगर, यानी गौतम बुद्ध नगर के बाद आपका आएगा कानपुर नगर, उसके बाद औरैया, फिर इटावा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, ये घटते हुए क्रम है साक्षरता दर के। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, तो आप सभी को पता है कि जो न्यूनतम साक्षरता दर है श्रावस्ती की है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया नहीं है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है, तो जी हाँ, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर है, तो ऑप्शन नंबर तीन भी सही है। नेक्स्ट है, नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर ना होकर के इलाहाबाद है। ठीक है, या इलाहाबाद नहीं है, यह है गाज़ियाबाद। ठीक है, तो चलिए इसमें एक और तीन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका करेक्ट है, एक और तीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशु की संख्या बतानी है, तो 1000 बालकों पर बालिका शिशु की संख्या ये हो जाएगा 902, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, 902। अगर स्त्री और पुरुष का पूछें तो 912 होगा, 912 स्त्री और पुरुष का। ठीक है, पर यहाँ पर बालिका शिशु और शिशुओं की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 2011 की अवधि में प्रदेश की जनसंख्या में कितनी वृद्धि दर रही, यानी कि वृद्धि दर आपको बताना है कि 2001 से लेकर के 11 के बीच में और 2001 में जो जनगणना हुई थी, 2011 में जो जनगणना हुई है, उनके बीच में जो जनसंख्या की वृद्धि है वो कितने प्रतिशत ज़्यादा रही है। ठीक है, तो 20.22% जनसंख्या वृद्धि हुई थी 2011 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करना है, यानी कि जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले आपका आएगा इलाहाबाद, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो किस में है, इलाहाबाद में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मुरादाबाद। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पर इलाहाबाद और दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर आपका है गाज़ियाबाद। ठीक है, और चौथे नंबर पर है आपका लखनऊ। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर एक आपका
करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद और लखनऊ। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार किस ज़िले में साक्षरता दर उत्तम है? तो ये आपको मैंने पहले बता चुका है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा तुरंत कि 2011 के अनुसार कौन से ज़िला है जो साक्षरता में सबसे उत्तम नंबर पे है, तो है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है, यानी आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ देश की 16.5% जनसंख्या निवास करती है, तो सबसे बड़ी बात यह कि ये सही है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये भी सही है। इसकी 10 की वृद्धि दर 17.7% है, तो ये सही नहीं है। 10 की वृद्धि कितनी है, अभी आपको मैंने बताया 20.22% है, 20.22%। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। और लिंगानुपात भी आपको मैंने बताया था कि 912 लिंगानुपात है स्त्री और पुरुष का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के अनुसार जो कूट हैं, जो दिए हैं चार विकल्प, इनमें से कौन कौन से सही हैं? क्षेत्रफल में यह देश का पांचवां बड़ा राज्य है, तो ये पांचवां बड़ा राज्य ना होकर के ये चौथा बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के दृष्टि से, ठीक है। पहला आपका आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र और उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्या है, देश की जनसंख्या में इसका 16.5% योगदान है, तो ये करेक्ट है, यानी कि देश की कुल जनसंख्या का 16.5% उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे हैं। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है, तो इसका जो यौन अनुपात है, यानी कि महिला और पुरुष का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से अधिक है, ठीक है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, तो बिल्कुल इसकी जो साक्षरता दर है वो राष्ट्रीय औसत से कम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता आपका रामपुर में है, ठीक है, रामपुर में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो। इसके पहले दो क्वेश्चन हमने कराए थे, उस हिसाब से अगर आप इसका आंसर देना चाहें तो फटाक से इसका आंसर आप दीजिए। तो जो जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा ज़िला है वो है इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो है महोबा, ठीक है, महोबा में जो जनसंख्या वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 10 लाख नगरों की संख्या कितनी है? तो राज्य में 10 लाख नगरों की जो संख्या है वो है 7, ठीक है। चलिए तो ये रहे क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश जनगणना से संबंधित। आपको कैसा लगा कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।